मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में विधायक पप्पू बरतौल ने सोशल डिस्टेंसिंग का निकाला नया फार्मूला। आपको बताते चलें कि बरेली के भित्री चैनपुर विधानसभा से भाजपा के विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू बरतौल ने सोशल डिस्टेंसिंग का नया फार्मूला निकाला। विधायक अब छाता लगाकर बाहर निकल रहे हैं, लोगों से भी छाता लगाने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि छाता लगाने से अपने आप ही सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी। विधायक की छाता लगाकर घूमने का वीडियो जब वायरल हो रहा है, छाता लगाए हुए लोगों के साथ खड़े हैं। बरेली के भित्री विधानसभा से भाजपा विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में उनके मन में एक विचार आया, क्यों ना छाता लगाकर निकला जाए। ऐसे छाता लगाएंगे तो अपने आप लोग दूर हो जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो जाएगा। कि छाते वाले एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि इस टाइम कोरोना महामारी एक ऐसी बीमारी है जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री भी निवेदन कर रहे हैं लोगों से हाथ जोड़ के, और हम लोग भी कर रहे हैं, हमारी पार्टी वाले संगठन तमाम लोग, तमाम समाजसेवी और अधिकारी और डॉक्टर, ये सभी लोग इस बात के, और आप लोग भी करते हैं, मीडिया कर्मी भी इस चीज़ के लिए लगातार बार बार इस मामले को उठाते रहते हैं कि दूरी बना कर रखिए। तो इससे बढ़िया तरीका मुझे अभी तक कोई समझ में नहीं आया। मेरी समझ में तरीका आया, मैंने लोगों से इसमें निवेदन किया कि भाई दूरी बनानी तो छाता लगा के चलिए, ताकि दूरी भी बनी रहेगी। इस दौरान लॉकडाउन जब से है, इस सेवा कार्य किस तरीके से आप किस अंदाज में कर रहे हैं, जिसे लोग काफ़ी पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन वो तरीका क्या है, किस तरीके? वो तरीका ये है कि हमारे जो बूथ तक का जो हमारा कार्यकर्ता है, हमारे बूथ इंचार्ज जो है, उनकी जरिया हम पता लगा लेते हैं कि कौन व्यक्ति भूखा है, किसके घर आटा चावल है। उनके यहाँ हमारे माननीय मंडल